यहाँ पर हालांकि सूरत आ चुका है और एकदम अंतिम घड़ी में हम लोग यहाँ पे आकर माँ की पूजा कर रहे हैं और तो हम भी आ चुके हैं स्टूडियो में। हाँ कुछ बोलिए सुनील। तो मैं इस वीडियो में बोलना चाहूँगा ये पूजा बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है हमारे लिए, ठीक है। तो इस चीज़ों में हमें शामिल होना चाहिए क्योंकि इसमें सकारात्मक हमें एनर्जी मिलता है। सो हाय गाइस, यू नो हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है और बहुत ही मज़ा आया। यू नो जो फेस्टिवल होते हैं बहुत ब्रिंग लाते हैं हमारे रिलेशनशिप को बहुत साहिल। हाँ बोलिए कुछ। हम क्या बोले, आप देखिए ना दीदी जो बोल चुके हैं आप वो कर दीजिए बस, वही मेरे घर में। आप लोग कैसा फील हो रहा है? बहुत मस्त। पे सभी कोई अपना अपना कुछ ना कुछ वाक्य अपना सेंटेंस रखा यहाँ पर, शब्द रखा और इंड नहीं। अभी हम लोग जाएंगे गंगा जी में नहाने वाने का सीन आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा देखने के लिए, कहीं भागिएगा। फ्रेंड्स हम लोग अब जा रहे हैं सरस्वती माँ को विसर्जन के लिए गंगा जी, और हम लोग अब आगे की ओर जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं आखिर कर लेकर यहाँ पर विसर्जन के लिए, हम लोग साथ आखिर कोई जय जयकारा लगाते हुए घाट पे पहुंच चुके हैं 3 नंबर घाट पे, और यहाँ पर हमारे सभी फ्रेंड आ चुके हैं और अब थोड़ी देर बोलो सरस्वती माई की जय, बोलो बोलो माँ शारदे की जय। सभी कोई अपने जय जयकारा लगाते हुए जय। अब गंगा जी में जाएगा विसर्जन करने के लिए और इसके बाद हम लोग वहाँ पे नहाएंगे थोड़ा, और हम लोग माँ सरस्वती को विसर्जन कर चुके हैं और गाइस पानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है, और विसर्जन करने के बाद हम लोग अब थोड़ा नहाएंगे और आज पानी बहुत ही ठंडा है और सभी लोग यहाँ पर ठंडा नहीं रहेगा तो क्या गर्म रहेगा। हाँ ये तो बात सही बोले, ठंडा समय में ठंडा नहीं रहेगा तो गर्म रहेगा, और ठंडा में नहाने का मजा ही कुछ और है। अपने घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग प्रसाद के रूप में खिचड़ी खा रहे हैं। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।